दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। मोटोरोला, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग हंसेंगे नाम सुनके क्योंकि मोटोरोला जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, G6 आया था, G7 आया है सीरीज के पूरे, एंड प्राइस जिस हिसाब से लेकर आए हैं ये लोग, हंसी ही आती है। लेकिन मोटोरोला ने वन पावर अच्छे प्राइस पे लाया था और एक वन विजन, इसका सब लोग वेट कर रहे हैं, 15th को ब्राजील में लॉन्च होने वाला है। एंड दोस्तों जो इसके प्राइस और लीक्स हो गए हैं, दोस्तों बहुत सारी चीज़ें प्राइस और स्पेसिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें लीक हो गई हैं, और जिस प्राइस पे आ रहा है अगर उस प्राइस से थोड़ा सा नीचे हो के अगर इंडिया में आ जाए दोस्तों, तो सच में ये कमाल का फोन होगा। क्यों होगा उसी बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करना, मुझे बताना क्यों नहीं पसंद आया। दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। सच कह रहा हूं दोस्तों, जिस प्राइस पे वहां पे आ रहा है उसको अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे, उससे थोड़े से कम प्राइस पे अगर इंडिया में आ गया, तो ये धमाल मचा सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें अलग हैं दूसरों से। सबसे पहले बता दूं कि दो कलर्स में आने वाला है, ब्लू और ब्लैक कलर में, एंड स्मार्टफोन सच में इसके फोटोज भी लीक हुए थे, पंच होल डिस्प्ले के साथ आने वाला है और कमाल का दिखता है दोस्तों स्मार्टफोन। दो कलर्स आने वाले हैं। रैम वेरियंट का मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, सबके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले शुरू करते हैं स्पेसिफिकेशन से। दोस्तों स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 6.3 इंच का फुल HD प्लस का डिस्प्ले आने वाला है, जिसका रिजोल्यूशन 1080x2540 का होगा, यानी पूरा ऊपर से नीचे तक आपको नॉच कहीं नहीं मिलेगा। जैसे मैंने कहा पंच होल डिस्प्ले होगा तो अच्छी बात है, एंड सबसे बड़ी बात क्या है पता है 2540 रिजोल्यूशन वाले फोन्स का, कि इनका एस्पेक्ट रेशियो 21:9 का होता है। इसके पहले सिर्फ एक सोनी का फोन आया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, सोनी का फोन आया था वही इस रिजोल्यूशन के साथ आया था, पतला स्मार्टफोन और लंबा, ऐसा स्मार्टफोन होगा दोस्तों। एंड सोनी के बाद ये अगला स्मार्टफोन होगा जो उस रिजोल्यूशन के साथ आएगा। अभी तक 19:9, 19.5:9 मैक्सिमम किसी स्मार्टफोन में अभी तक तो नहीं आता कि 20 गया हो, अब ये 21:9 का एस्पेक्ट रेशियो के साथ आ रहा है। कमाल का स्मार्टफोन है एंड दिखने में भी अच्छा है। रियर साइड पे ड्यूअल कैमरा का सेटअप है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है और सच में अच्छा दिखता है दोस्तों। 21:9 इसके बारे में और बात कर लें तो इसे सोनी सीने वाइड डिस्प्ले कहता है और मोटोरोला इसको सीने विजन डिस्प्ले कहता है दोस्तों, तो सच में अच्छा दिखता है। इंडिया में मेरे ख्याल से अगर लॉन्च होता है तो सच में खबरों में रहेगा, क्योंकि सोनी का जो स्मार्टफोन था थोड़ा महंगा था, ये 20,000 के आसपास आने वाला है, इसलिए बोल रहा हूँ ये खबरों में बहुत रहने वाला है और सच में अच्छा दिखता है। एंड और दो तीन चीज़ें हैं जो इसको खरीदने पे मजबूर करेंगी आपको दोस्तों। दूसरी बात करें इसके बाद प्रोसेसर की, तो इसमें सैमसंग के एक्जीनोस का 9609 जो कि फ्लैगशिप प्रोसेसर था, उसको थोड़ा सा अंडरक्लॉक करके 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पे इन लोगों ने लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको माली G72 MP4 का GPU मिलेगा एंड बाकी सारी चीज़ें ठीक है। गेमिंग ग्राफिक्स के लिए अच्छा है, इसको आप 670 स्नैपड्रैगन 670 से कंपेयर कर सकते हो, 675 थोड़ा ऊपर हो जाएगा, 670 से कंपेयर कर सकते हो, 660 से थोड़ा सा ऊपर। A50 सैमसंग गैलेक्सी A50 मालूम है ना, उसमें आया था 9610, उससे आसपास ही होगा, उतना ही समझ लो, थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। जैसे स्नैपड्रैगन 625 और 626 में डिफरेंसेस होते थे, जितना उतना ही डिफरेंस समझ लो, ज़्यादा नहीं उससे। तो अच्छा प्रोसेसर है, आप समझ लो 660 से अबव है, एंड उसके बाद GPU भी अच्छा है। स्टॉक एंड्रॉइड पे आने वाला है जो कि एंड्रॉइड 9 पाई के ऊपर बेस्ड होगा, कस्टमाइजेशन कुछ भी नहीं होगा इसमें, एंड ब्लूटूथ भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो अच्छा है। यहाँ पे गेमिंग ग्राफिक्स के लिए ठीक है, अगर उस प्राइस के हिसाब से मोटोरोला की ब्रांडिंग के साथ देखोगे तो ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं कैमरा में, तो कैमरा में आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा प्लस 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, PDF का सेंसर होगा। 48 वाला जो होगा उसका अपर्चर F1.7 का होगा, वो सोनी वाला IMX586 वाला सेंसर होगा कि सैमसंग का GM1 वाला सेंसर होगा, ये नहीं पता, देखने वाली बात होगी, मेरे ख्याल से सोनी का दें। इसमें आपको OIS का सपोर्ट मिलेगा, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का दोस्तों, अच्छी बात है इस प्राइस के हिसाब से। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे, वो भी अच्छी चीज़ है। एंड उसके बाद बुके पैनोरमा सब कुछ मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। रियर साइड पे आपको ड्यूअल कलर LED ड्रोन फ्लैश मिलेगा। देन उसके बाद फ्रंट कैमरा 25 मेगापिक्सल का होगा, जिसका अपर्चर F2.0 का होगा, यहाँ से भी 1080 रिजोल्यूशन वाले वीडियो निकाल सकते हो, वो भी अच्छा है। और फ्रंट कैमरा दोस्तों आपको पंच होल डिस्प्ले में नॉच में मिलेगा, जो पंच होल रहेगा उसके अंदर रहेगा, अच्छा है। यहाँ से भी आप बुके वुके सब निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो कैमरा बहुत अच्छा होने वाला है। OIS आएगा इसमें, इमेज स्टेबलाइजेशन, एंड 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी आने वाला है, तो अच्छे कैमराज आपको मिलेंगे दोस्तों इसमें। बैटरी की बात करें थोड़ा सा वन पावर से कम हो गया, क्योंकि उसमें 5000 mAh की बैटरी थी, यहाँ पे सिर्फ 3500 mAh की बैटरी है, लेकिन उसके साथ टर्बो फास्ट चार्ज मिलेगा आपको। अब वो 18W का होगा, 15W का होगा, कितने वैट का होगा तो आने के बाद पता चलेगा, लेकिन मिलेगा। देन उसके साथ टाइप सी का पोर्ट आने वाला है, तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये चीज़ अच्छी है।
उसके बाद सेंसर्स की बात करें दोस्तों, तो सारे सेंसर्स होंगे, लेकिन स्टॉक एंड्रॉइड होने की वजह से शायद फेस अनलॉक उतना अच्छा आपको न मिले, बाकी सारे सेंसर्स मिल जाएंगे, एम्बेडेड लाइट सेंसर, कॉम्पास, जायरोस्कोप, सब कुछ मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं सेंसर्स में। वैसे भी मोटरोला अपने मोबाइल्स में सेंसर्स में कोई इशू करता नहीं है। लास्ट बात करें अगर हम लोग स्लॉट की, तो आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिलेगा, अब दो सिम कार्ड के साथ एक एसडी कार्ड लगा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी तक जो वेरिएंट आया वहां पे, अब मुझे नहीं मालूम कि इंडिया में कौन सा आएगा, लेकिन वहां जो वेरिएंट आया दोस्तों 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आने वाला है, एंड उसका प्राइस जो है वो 299 यूरोज होगी, यानी अगर आप कन्वर्ट करोगे तो करीब करीब 335 US डॉलर्स, उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो ये करीब करीब 23,000 23,000 के आसपास इसका प्राइसिंग होता है। इंडिया में अगर 20,000 के नीचे इसको लॉन्च करते हैं तो मेरे हिसाब से अच्छा डील हो सकता है, लेकिन अगर 20,000 के ऊपर गए तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवर प्राइस हो जाएगा। अब देखते हैं मोटरोला क्या करता है इसके साथ। और इसके बॉक्स के अंदर आपको ईयरफोन भी मिल जाएगा, वो भी अच्छी प्लस पॉइंट है इसके लिए, तो वो देखने वाली बात होगी कि किस प्राइस पे लेके आते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। पहली बात तो डिस्प्ले आपका देखो, उसमें पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है, प्लस 21:9 का एस्पेक्ट रेशियो होता है, प्रोसेसर ठीक है, बहुत खराब नहीं है, ठीक अच्छा प्रोसेसर है। देन उसके बाद कैमराज आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, 48 मेगापिक्सल, सारी चीज़ें। उसके बाद बैटरी ठीक ठाक है, लेकिन फास्ट चार्जर मिलता है, एक चीज़ है, फास्ट चार्ज सपोर्ट ही नहीं, फास्ट चार्जर भी आता है इसमें, डेडिकेटेड स्लॉट है, रैम थोड़ा सा कम है मेरे हिसाब से, अगर इसका 4GB 64GB अगर वेरिएंट लेके आते हैं करीब करीब 18,000 से 19,000 के बीच में, तो ये इंडिया में सक्सेसफुल हो सकता है। और 20,000 से 21,000 रुपये में 6GB रैम वाला अगर वेरिएंट लेकर आए तो मेरे ख्याल से इंडिया में अच्छा चल जाएगा। अब देखते हैं किस प्राइस पे कितना लेकर आते हैं, वो तो देखने वाली बात होगी, देखते हैं क्या करता है मोटरोला। तो यही है मोटरोला वन विजन, अच्छा स्मार्टफोन है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा है स्पेसिफिकेशन, लेकिन प्राइसिंग की बात होती है, मोटरोला अक्सर प्राइसिंग अच्छी नहीं करता। इस बार अगर प्राइसिंग अच्छी करे और इंडिया में लेकर आए, क्योंकि 15th को ब्राज़ील में लॉन्च होगा, 16th से वहाँ मिलना चालू हो जाएगा, उसके बाद ऐसा कह रहे हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर ये इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा, वो देखने वाली बात होगी इंडिया में लॉन्च होता है कि नहीं, घीच घीच के एक महीना तो लेके जाते हैं। कैसा लगा स्मार्टफोन जरूर बताइए, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिए, मुझे बताइए कि नहीं पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोज़ होने भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट करने के लिए कुछ खास नहीं करना है, साइड में देखो वेक्टर इमेज है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं उन्हें भी चेक कर लेना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।